अरे टच होने वाला है, टच होने वाला है। अरे नाव टकरा गई है। और सचिन अभी सो के उठा है और हमने मुंह हाथ धो लिया है, पर अभी भी मैं सो गया था गाड़ी के अंदर। और ब्लॉग मेरा वो दीदी ने एंड कर दिया, तो मैं अभी आया हूँ काशी विश्वनाथ और यहाँ का मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना रहा, मतलब दूसरा एक ही कपड़े पे। लेकिन हम लोग डायरेक्ट वहाँ से आ घूमने आ गए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं काशी में। दोनों ब्लॉग में अंदर है, पर एक चीज सेम है, मेरे कपड़े कपड़े नहीं, चप्पल नहीं है। तो अभी हम लोग जाएंगे अंदर मंदिर के दर्शन करेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गया था, सुबह से कुछ खाया नहीं था। हमने थोड़ा नाश्ता किया गाड़ी रोक के, उसके बाद मैं गाड़ी के अंदर ही सो गया था। ठीक है, हम लोग फ्रेश, मेरे जूते चोरी हो गए थे, तो हमने फ्रेश होके दोबारा मिलते हैं ना, फ्रेश होके पूरा रेडियो के आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे जूस पीते हुए तो ये लोग मेरे को देख के अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सब कोई सो गए थे, मैं अकेला पूरी गाड़ी में जगा हूँ। देखो मेरे नाश्ता और खाना आते ही जा रहा है। हमारा भाई को ये मिल गया, वही का फिर मेरा पूरा हेयर स्टाइल बिगड़ गया है और तुम्हारा भाई ऊपर से नीचे पूरा बिगड़ गया है, अपना जूता सूता सब गया है। पर हमारा कैमरामैन जल गया बेचारा। और हाँ, सबसे बड़ी बात, मेरे जान का टुकड़ा, मेरा कैमरामैन चला गया, मतलब कहीं चला गया अपने घर पे, तुम और कुछ मैं समझ लेना। तो अभी अपने चलते डायरेक्ट अंदर, यहाँ पे कुछ नाश्ता कर लेते, फ्रेश हो जाते, फिर चलते। तो भाई जहाँ तक बहुत हम लोग को अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोग इतने अच्छे टाइम पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे अभी आरती होने वाली है। अगर यहाँ पे बहुत सारे गाने बजाने लगे, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बेस्ट अभी तक मैं जहाँ घूमा उसमें सबसे बेस्ट मुझे यही लग रहा है। तो अभी अंदर चलते, क्योंकि अंदर अभी आरती होने वाली है, अगर हमको दर्शन हुआ तो बहुत बड़ी बात है। अब धीरे धीरे चलते जाना, यहाँ से कम 1 किलोमीटर मेरे को पैदल जाना है। तो हमें चप्पल नहीं, ना जूता है, जूता चोरी हो गया। अभी आ रहा है मेरे को बार बार, आज मेरा जूता याद आ रहा है। हम दोनों भाई भीड़ में फंस चुके हैं। वाओ, मैं तो ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। गाइस पता है आप लोगों को, मेरा जूता चोरी हो गया ना, अब मेरे को वहाँ से यहाँ तक पैदल पैदल जाना पड़ रहा है। मेरे को खरीदने का भी मन नहीं हो रहा कि मैं जाके जूते खरीदूँ चोरी होने के बाद, क्योंकि दिल टूट गया तुम्हारे भाई का। मतलब मैंने क्या बताऊँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा था शूज, लेकिन वो डायरेक्ट ही गायब हो गया। कोई नहीं, दूसरा ले लेंगे ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, मेरी मोटी वहाँ पे धीरे धीरे जा रही है। देखो बच्चों को गिरा, एक तो पाँव में पहले से लगा है और ऊपर से मेरे को इतना दूर चलने का भी है, तो धीरे धीरे चलते चलते मेरे पाँव के हैं पूरी हालत खराब हो गई है। और इधर इतनी भीड़ है ना, क्या बताऊँ मैं। और मैं इधर इतनी भीड़ में बिंदास घूम रहा हूँ, इन लोग कोई पता ही नहीं है कि अपन कौन है कौन नहीं। नहीं नहीं, कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं पर लोग पहचान, आप थोड़े कन्फ्यूज आ रहे हैं। कन्फ्यूज नहीं हो रहे, अपने को पहचानता नहीं कोई, लेकिन अपने क्या बोले, अपने ये पकाते रहती यार तुझी बोलती। गाइस लेकिन यहाँ का व्यू एक नंबर, अभी तो अंदर जाना बाकी है, मंदिर तो और बहुत बढ़िया होगा अभी तो। ब्लॉग एंडिंग तक देखो, बहुत मजा आएगा। तो आप लोग भी मेरे साथ बैठने वाले हैं, हम लोग नाव में ही बैठने वाले हैं, वो भी देखना बहुत मजा आएगा। बहुत नाव में बैठेंगे, यानी बहुत। अरे माँ कसम, गाड़ी आ रही है, देश की रक्षा कौन करेगा, ये भाई करेंगे। पूरा फॉरेनर भी आ रहे भाई, बहुत लोग हैं, ऊपर लोग इधर नहीं आते थे। मतलब देखो कितने लोग है भाई, बहुत लोग। चल इतनी पब्लिक है ना, इतनी पब्लिक पूछो मत, मतलब बहुत लोग है। यहाँ से पूरा राउंड में दिखा दे एक बार, नाव पे सब लोग बैठे। यहाँ से ऊपर पंडित जी लोग आरती करते हैं, मतलब की होती है, फिर उसके बाद आरती होने के बाद 1 घंटे तक आरती होती है, फिर अपने जाएंगे नाव में अंदर बीच में, वहाँ से आप लोगों को पूरा भी दिखाऊंगा। तो चलते डायरेक्ट अंदर। नाव में जा रहे हैं, घूमेंगे थोड़ा अंदर अंदर और आप लोगों को पूरा व्यू दिखाएंगे। यहाँ पे बहुत भीड़ है गाइस, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो अभी हम लोग जाएंगे नाव में और वहाँ से आप लोगों को पूरा व्यू दिखाएंगे। तो अभी एक आध वीडियो शूट कर लेते अपने और फोटो शूट कर लेते। तो चलते उसको देखो, मिलने मिलने बैठा, तो चलते अभी डायरेक्ट नाव में बैठते।
हम लोग कोने में इसलिए बैठे नीचे मुंडी करके ताकि हमको कोई ज्यादा पहचाने नहीं, क्योंकि आरती के समय तो सब आरती पे ध्यान दे रहे थे, अब सब इधर उधर ध्यान दे रहे, तो हम लोग मुंडी नीचे करके बैठे हुए ताकि भी सब भीड़ निकल जाए, तो हम लोग नाव में जाके बैठ के सब घूमेंगे और आप लोगों को पूरा भीड़ दिखेंगे। ओके, दो ब्लॉग चल रहे एक साथ में, दोनों ब्लॉग में बोल रहे हो, ये ब्लॉग देख के तो और लोग आते यार इसके लिए। उधर एक लड़की देखो कितनी अच्छी हो जाती है, कैमरा घुमाओ कैसे है, ये मेरी बहन है इधर आइए ना थोड़ा प्रिया जी, यही होता है हम लोग छुप छुप के बैठे हैं, लेकिन तभी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। यहाँ पे कितना भी छुप के बैठो एक ना एक पहचान जा रहे हैं, यहाँ पे बैठ जाओ। लोग अभी नाव में बैठते हैं, थोड़ा दूरी चलने का भाई मेरे, हमारी नाव ज्यादा दूर नहीं है पास में है, हम लोग ने पर्सनल नाव किया उस पर जाएंगे बैठेंगे और घूमेंगे पूरा। तू आ जा, वो आ जाएंगे, चल तू यार, अरे उसमें कुछ नहीं होगा ना, ये हम लोग नाव पे बैठ गए, हमारी नाव पता नहीं किधर है, ये नाव पे बैठना अलग ही मजा है, ये अभी गिर जाती मुर्गी मेरी, हमारा नाव किधर है पता नहीं देखते, मैंने ये पहना है, ये डरती नहीं, इसने नहीं पहना, मेरे को पानी से बहुत डर लगता है इसलिए मैंने पहन लिया है, मेरी मम्मी ने बोला था पानी से बहुत दूर रहना, लेकिन मैं नदी के पीछे बीच जा रहा हूँ इसलिए मैं अपनी सेफ्टी पहले रखता हूँ, उसका पता नहीं, उसको छोड़ देता हूँ, तो मैं रेडी हो चुका हूँ, हम लोग घूमेंगे पूरा, और इंजन इंजन चालू हो रही है, हमारी नाव चालू हो गई, देखो कभी आ रहा है तो इधर पानी भी आ रहा है, तो भाई बहुत मजा आ रहा है, नाव 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 बगल में हमारी फटी मेरी, वाओ नाव नाव टच हो, अरे टच होने वाला है, टच होने वाला है, टच हो गई है, चिपक गई तो लाइट बंद कर दो, अरे नाव टकरा गई है, टाइटैनिक बन जाएगा इधर, अभी हम लोग टाइटैनिक नाव में, वो टाइटैनिक हो जाए, लाइट लाइट बंद कर दिया उसको दिखने का, अभी तो भाई ने नाव ही ठोक दिया डायरेक्ट दूसरी नाव में, हम गंगा नदी के पूरे राउंड मार लिए, बहुत मजा आया, देखो ध्यान से पूरा ये पूरा हम लोग गंगा नदी घूम लिए और बहुत मजा आया हम लोगों को, अब हम लोग यहाँ से देखो मैंने इतने बड़े बड़े टीके लगाए, अब हम लोग यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट बाहर, बहुत चिल्लाते लोग, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे, देखो मुटकी बेटी है उधर, मैं हाथ में लाइट लाइट लेके पूरा शूट कर रहा हूँ, रुको रुको रुको, हम लोग गंगा नदी के किनारे वापस पहुंच गए, जहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था मतलब बैठा था, पहुंच गए एक जहाज जिस किनारे से हम लोग बैठे थे गंगा नदी में, और हम लोगों ने पूरा गंगा नदी का राउंड मारा, बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया, और ये से जाएंगे बाहर कुछ खाएंगे या तो फिर डायरेक्ट रिया दीदी के घर जाएंगे, मेरे को खाना याद आता है, खाना खत्म नहीं होना चाहिए भाई, मैं खाने पे रहता हूँ, खाना सबसे आगे, तो ये देखो नदी है, आप लोगों में लाइट से दिखा रहा हूँ, देखो अगर फोन गया तो सीधा नीचे जाएगा, काशी में बहुत मजा आता है, काशी विश्वनाथ ये मंदिर बहुत लोग आते हैं, यहाँ पे कम से कम लाखों लोगों की भीड़ थी भाई, मैं जब आया आरती होती भाई कुछ पूछो मत, बहुत मजा आया, और इधर सब भागम दौड़ी करते आरती होती है तब मजा आता है, लोगों ने पूरा एंजॉय कर लिया, बहुत बहुत मजा आया, अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं,
हमारी चाची को देखो बहुत मजा आया। तो अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, फिर बात करते हैं। बहुत भीड़ है, हम लोग को जल्दी जल्दी बाहर यहाँ से निकलना है। और मजा आ गया बहुत। तो चलते बाहर आए, हम लोग को पता ही नहीं था कि अभी एक मेन मंदिर और है, वहाँ भी जाने का है। तो अभी क्या दीदी अंदर जाने का है ना, हम लोग को पता नहीं था। हम लोग को अभी चाचा ने बताया कि अभी आगे एक और मंदिर है, वहाँ भी जाने का है। तो अभी हम लोग डायरेक्ट वो मंदिर पे ही चलते हैं, क्योंकि आए इतना दूर तो दर्शन करके जाना तो चाहिए। मैं थक गया भाई पूरा। कोई नहीं, लेकिन अभी नहीं, अब ज़्यादा शूट नहीं करेंगे, बाकी अपने अंदर जाके डायरेक्ट मंदिर का शूट करते हैं। चलते डायरेक्ट अंदर, ठीक है ना। कैसा लग गया? लग रहा है कोई धपंग आ गया है। मगर थोड़ा एक आदमी में आता, वहाँ से एक आदमी बोलता है साड़ी दिखाओ, तो ये बोलता है मैं लेडीज दिखता हूँ। बताओ ऐसे लोग देख रहे हैं, हम लड़के तो भी हमसे पूछ रहे हैं साड़ी। तो इसकी शक्ल देख के बोला तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। वो बोला होगा सारी गर्लफ्रेंड के लिए, जा पर गर्लफ्रेंड भी नहीं है हमारी भाई, गर्लफ्रेंड भी नहीं हमारे पास। तो आप लोग भगवान दे दो वाले यार, गर्लफ्रेंड नहीं है मेरे पास, नहीं है मतलब। एक बात सब आगे आगे भाग गए और हम लोग पैदल जाके थक चुके हैं ऑलरेडी बहुत। मैं सुबह से मतलब पैदल ही चल रहा, मतलब सुबह से वो मंदिर पे भी गए, वहाँ पे भी पैदल चल रहे थे, और दूसरे मंदिर गए तो वहाँ पे भी पैदल चल रहे थे। सुबह से खाली चल ही रहे, टुडू 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 टुडू। हम लोग कम से कम सुबह से ना 8-10 घंटे ट्रैवल किए ना। मेरे हिसाब से पता है अपने को स्केटिंग लेना चाहिए, स्केटिंग मतलब स्केटिंग करते हुए जाना। सही बात है, देख रहे हमारा कैमरा ही ला दे रहे सेंटर भी गांव में भाई। अभी यहाँ से भी बहुत दूर है मंदिर। आप लोगों को हम लोगों ने बहुत पकाया होगा, मतलब एक बात बोलूं? हाँ बोलो। थोड़ा पकड़ मेरा पेंट का सक रहा है। बेल्ट नहीं पहना, उसको डालो। बेल्ट नहीं पहना ना भाई। तो गाइस मैं ब्लॉग कैसे शूट करूंगा, मोबाइल रख दूंगा तो ये बोल रहे हैं मोबाइल लोकर में रख दो तो मैं ब्लॉग कैसे शूट करूंगा। गोप्रो तो लाया नहीं है, किससे शूट करेंगे? ओ किधर गए हो लोग? अरे इधर से आए, सीधा गए होंगे। मेरा थिंक सीधा गए, सीधा गए, सीधा गए, मेरे को पता ना भाई। सब लोग सीधा गए, सब सब सीधा जा रहे हैं, तो भी सीधा, सब कोई सीधा जा रहे हैं, मतलब तो भी सीधा गए। मेरे को भाई कोई मंदिर यहाँ पे कैमरा ड्रोन सब बैन है, तुमको टेंशन नहीं, कुछ भी होगा देख लेंगे। अरे क्या चमका रहा कैमरे में भी चमक गया था। तो हमको यहाँ पे मोबाइल सब कुछ रखे ना, मतलब दो चार छः आठ दस पेटी का सब कुछ यहाँ रखा है। दो चश्मे, एक घड़ी, मोबाइल, दो सब अंदर रखना। अगर